हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। दोनों पार्ट हम एक ही साथ निकालेंगे, यहाँ पे अलग अलग हम पार्ट नहीं निकालेंगे, एक ही साथ आपको कटिंग करना बताएंगे। तो ये पहले अस्तल का फैब्रिक है हमारा, इसको हम अपनी तरफ फोल्ड करके यहाँ पर बिछा ले रहे हैं और फिर हम इसका नाप लेंगे। जब हमने ब्लाउज रखा है पहले इसका हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा सीना, ऐसे हमें सीना यहाँ पे नापना है 19 इंच। तो 19 का हम डबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 38 इंच। यहाँ पे सीना हमारा हो गया 38 इंच। अब गला हमारा आगे का गला है 6.5 इंच और पीछे की लंबाई हमारी जो ब्लाउज की पूरी लंबाई है वो है 12.5 इंच और पीछे का गला है हमारा 9.5 इंच। हम बाजू की लंबाई देखेंगे, यहाँ पे 3 इंच, बाजू की गोलाई है यहाँ पे 6.5 इंच। यहाँ पे हमने ये नाप लिया है। अब जो ब्लाउज की कमर है हम कमर नापेंगे, तो कमर यहाँ पे है हमारी 31 इंच। 15.5 यहाँ पे आया है तो डबल हम कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगी 31। डबल हमें करना पड़ता है तो यहाँ पे होगी 31। अब हमने ये जो अस्तल का फैब्रिक है वो हमने यहाँ पे बिछा लिया है। अब हम लंबाई के अनुसार यहाँ पे फैब्रिक लेंगे, ऊपर वाला होगा। ऐसे हमने डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड को ही हमने यहाँ पे एक बार फोल्ड कर लिया है। ये अच्छी तरीके से आप देख लें कपड़ा हमें कैसे बिछाना है, नहीं तो हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे 12.5 इंच हमारी लंबाई है तो ऊपर वाले कपड़े की हम लंबाई यहाँ पे रखेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे तो 13.5 इंच इसमें हो जाएगी। तो एक हमने प्लस कर लिया उसमें 12.5 में, यहाँ पे कर लेंगे हम 13.5 इंच। जो ऊपर का जो हमने पार्ट है वो हम रखेंगे और नीचे हम ले रहे हैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। जो हम यहाँ पे बेल्ट वाला ब्लाउज कट करेंगे तो नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ऊपर वाला हमारा 13.5 इंच है, यहाँ पे 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आपको सादा ब्लाउज बनाना है जिसमें बेल्ट कट नहीं करनी है तो यहाँ पे आप 1 इंच एक्स्ट्रा लें, ना कि 1.5 इंच। ये हमने कर लिया है, ऐसे ही आपको करना है। ऊपर वाला अगर हमारी लंबाई 12.5 इंच है तो एक जितनी हमारी लंबाई होगी उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, ऊपर वाला रखेंगे, ऊपर से जो ऊपर वाला हमारा होगा उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे और कटिंग कर लेंगे इसकी। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, अगर आप सादा ब्लाउज बनाएंगे फोर टक वाला तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब हम आगे पीछे के पार्ट जो हमारे होते हैं वो हम दोनों एक ही साथ यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने ब्लाउज का कपड़ा फोल्ड करके अपनी तरफ जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है, यहाँ पे हमने पलट लिया है, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रख लिया है, खुला हुआ हिस्सा दूसरी तरफ रखेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल के शोल्डर के निशान लगाएंगे 6.5 इंच और आर्म होल हम लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। ये हमारे 38 इंच के अकॉर्डिंग है, हमारा डीप गला है। अब यहाँ पे हम चौथा हिस्सा इसका लेंगे 9.5 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम कोई नाप नहीं लेंगे, सीधी हम लाइन करेंगे और जो हम आर्म होल की गोलाई करेंगे यहाँ पे तो 1 इंच हम 1 इंच से आर्म होल की गोलाई कर देंगे। हमने गोलाई कर दी आर्म होल की, अब हम ऊपर से कटिंग करेंगे। जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी पे आपको कटिंग करनी है। ऐसे ही हमें सीना देखना है, सीने के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल और शोल्डर लेने हैं और सीने का यहाँ पे चौथा हिस्सा लेना है आपको। सीधे आप यहाँ पे कट कर लीजिए, यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब हम हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट एक ही साथ कट हो गए हैं। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। जो हमारा छोटा पार्ट है वो हमारे पीछे का है और जो बड़ा पार्ट है वो हमारे आगे का पार्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, नीचे से हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पे आप लाइन कर दीजिए। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे 0.5 इंच यहाँ पे आप मिला दीजिए
जो बेल्ट का हम मार्किंग करते हैं वैसे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, बेल्ट की निशान लगा लिए। अब गले की हम चौड़ाई यहाँ पे लेंगे 2 इंच, क्योंकि हमारा डीप गला है तो हमें ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी है, तो हम यहाँ पे केवल 2 इंच लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर डाउन कर देंगे, गले की तरफ हम डाउन करते हैं। यहाँ पे हम 6.5 इंच हमने गला लिया है आगे का गला, और नीचे से हम 2.5 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे गोल गला बना लेंगे, गोल गला हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम आर्म होल की छांट देंगे, जो हमारे आगे का पार्ट होता है उसको आर्म होल को हम छांटते हैं थोड़ा, आधा इंच आप यहाँ पे छांट दीजिए गोलाई में बिल्कुल। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब नीचे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, जो हमने निशान लगाए हैं उन पे हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो बेल्ट की हमने कटिंग कर ली है यहाँ पे, अब हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में यहाँ पे लगा रहे हैं हम 4 इंच पे, और ऊपर से हम शोल्डर से इंची टेप रखेंगे ना 10.5 इंच पे, हमने टक पॉइंट यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हम सीधी निशान लगा लेंगे, जो हमारी जो नीचे वाली डॉट पड़ती है उसका निशान होगा। यहाँ से हम 1.5 इंच का गैप देंगे, यहाँ से भी हम 1.5 इंच का गैप देंगे, और जो आर्म होल की तरफ मिला देंगे उसको हम उधर मिला देंगे, और सीधी डॉट जहाँ ये डॉट के निशान लग गए हैं। ऐसे ही आपको डॉट डॉट के निशान लगाने, जब हमारा हैवी साइज हो जाता तो हम 2 इंच का जो हमने 1.5 इंच का गैप दिया है वो हम 2 इंच का यहाँ पे गैप देते हैं। अब जो हमारे पीछे का पार्ट है, तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच, और गले की लंबाई है यहाँ पे 9.5 इंच, नीचे से हमने लिया है यहाँ पे 3.5 इंच, और एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे गोल गला हम ड्रॉ बना लेंगे, गोल गले यहाँ पे 4 इंच, 4.5 इंच हमने डॉट की लंबाई रखी है, ये डॉट भी हमने डाल ली। अब गोल गला यहाँ पे हम ड्रॉ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे पीछे का पार्ट यहाँ पे कट हो गया है, यहाँ पे इसका भी हमने गला कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाजू हमें कट करनी है, तो यहाँ पे ये हमने कपड़ा लिया है, पहले इस कपड़े को हम यहाँ पे सेट करेंगे। ऐसे आप अच्छी तरीके से बिछा लीजिए, डबल फोल्ड कपड़ा है, यहाँ पे एक बार हमने फोल्ड कर लिया है तो दोनों बाजू हमारी एक साथ ही कट जाती हैं। पहले हम आर्म होल नापेंगे, यहाँ पे 2 इंच का हमने निशान इसलिए लगा लिया कि 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन दिया था, ऊपर आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो जितने आर्म होल बचे हैं उसको हम यहाँ पे नाप लेंगे। तो हमारा आया है 8 इंच, और जो हमने आधा इंच लगभग जो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया है। 3 इंच की हमें बाजू तैयार चाहिए, यहाँ पे आप पूरा 8 इंच कर लें। यहाँ से 8 इंच में हम डाउन करेंगे, हम केवल 2 इंच पे डाउन कर रहे हैं, हमारी छोटी बाजू है तो आप 2 इंच पे डाउन कर दीजिए। यहाँ पे 8 इंच का हमने निशान लगा लिया, जहाँ पे हमने 2 इंच डाउन किया था वहाँ से आप 8 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है इसमें नीचे, यहाँ पे 6.5 इंच हमारी गोलाई है, 1.5 इंच इसमें भी हमने एक्स्ट्रा दे दिया है। यहाँ पे आप मार्किंग कर लें, फिर हम जो शेप हमारी होती है यहाँ से गोलाई करके बाजू की गोलाई दे देंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
ये हमने बाजू कट कर ली है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम आर्म होल यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे छांटेंगे आर्म होल को। आगे गहराई देनी बहुत ज़रूरी है, तो हम आर्म होल की एक ही साथ दोनों बाजू में गहराई दे देंगे यहाँ पे। जब निशान लगा रहे हैं आगे पीछे, जो हम बाजू जब सिलाई करते हैं तो हमारी गलत जॉइंट ना हो, जो हमने निशान लगाए वो आगे की तरफ ही हमारे जॉइंट हो। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे बिछा लेंगे उल्टा एक करके। आप यहाँ पे डबल फोल्ड करके उल्टा बिछा लें। यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। अब जो हमारे पीछे का पार्ट है, तो हमारा पीछे का पार्ट अंदर की तरफ से बंद है, मतलब खुला हुआ ऐसा नहीं है, तो हम डबल फोल्ड करके इसको ऐसे ही हमें सेट करना है, इससे कि हमारा बंद बंद वाला फोल्ड वाला हिस्सा अंदर की तरफ आए। इसको यहाँ पे ऐसे बिछा के हम सेट कर लेंगे, इससे कि हमारी कम कपड़े में हमारे पार्ट यहाँ पे सेट हो जाए। इसकी कटिंग करेंगे हम। यहाँ पे पार्ट आप ऐसे बिछा लीजिए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा ही यहाँ पे कपड़ा कट करते हैं। जब हम अस्तल पर जॉइंट कर लेते सॉरी मेन फैब्रिक पर जॉइंट कर लेते हैं अस्तल को, तब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। यहाँ पीछे का पार्ट हमारा कट हो गया। यहाँ पे जी हमने कट कर लिए हैं। अब हमारी बाजू रह गई हैं, जो हम बाजू का कपड़ा यहाँ पे करेंगे। बाजू को यहाँ पे सेट करके बाजू भी यहाँ पे कट कर लेंगे हम। यहाँ पे इतने जो हमारा कपड़ा है उसको हम बाजू यहाँ पे सेट कर लेंगे, और जो हमारी कपड़े वाली लेस लगी है उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। बाहर से जब हम बाजू अटैच करते हैं तब ऊपर से हम जॉइंट करते हैं लेस को। यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है पूरे ब्लाउज की। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।